हेलो स्टूडेंट्स, हेल्दी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आज सैटरडे को आप जानते हैं कि एडिटोरियल का सेशन होता, द हिंदू का एडिटोरियल हम लोग लीड करने जा रहे हैं, या फ्राइडे का द हिंदू का एडिटोरियल है जिसे हम ड्रिल कराने जा रहे हैं। आप सभी की उपस्थिति स्वागत करने योग्य है। चलिए, बहुत बढ़िया है, आप सभी बने रहेंगे। सेशन को शुरुआत में ही सभी लोग शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट्स इतना है वो सब स्वागत करने योग्य है। आज मैं आपका कमेंट्स का जवाब नहीं देने जा रहा, आज मैं बिल्कुल आपके कमेंट्स का जवाब नहीं देने जा रहा, आज मैं केवल वन वे ट्रैफिक यानी पढ़ाने जा रहा। ऐसे समझ के चलिए जैसे आपका सेशन स्ट्रीम हो रहा हो। आपका कमेंट्स देखेंगे लेकिन कमेंट्स का जवाब आज नहीं देंगे। चलते हैं आगे। देखिए, द हिंदू का एडिटोरियल में ये कॉलम था कि गुड बट नॉट एनफ। हाँ, चलेगा, काम चलाऊ है लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। कभी कभी ऐसा बोला जाता, हाँ भैया चलेगा, काम चलाऊ तो है लेकिन और होना चाहिए था। तो वही बात कर रहा है कि गुड बट नॉट एनफ ऑन द एक्सटेंडेड कवरेज ऑफ द आयुष्मान भारत स्कीम। आयुष्मान भारत स्कीम जो प्रधानमंत्री का योजना है, उसका एक्सटेंडेड जो अभी फॉर्मेट आया है, जो हमारे वृद्धजनों के लिए जो कवरेज बढ़ाया गया है वहाँ मेडिक्लेम में, तो ऐसी स्थिति में उसी को बात को कह रहा है कि चलेगा, काम चलाऊं ठीक है लेकिन और भी होना चाहिए। उसी को बात कर रहा है, ध्यान दें कि गुड बट नॉट एनफ ऑन द एक्सटेंडेड कवरेज ऑफ द आयुष्मान भारत स्कीम। यहां पर कह रहा है कि एक्सटेंशन ऑफ फ्री हेल्थ कवरेज टू ऑल ओवर 70 इयर्स इज गुड। जितने भी 70 वर्ष से ज्यादा के लोग हैं उनके स्वास्थ्य के लिए जो एक्सटेंशन दिया गया, जो उनको आयुष्मान भारत योजना में उनको जो रकम दिया गया उसको बढ़ाया गया, वो बढ़िया कदम है। बट मोर नीड्स टू बी डन, लेकिन और बहुत कुछ किया जाने की जरूरत है, इतना ही से काम होने वाला नहीं है। इसी खबर को यहाँ एनालिसिस किया गया है, यहाँ पर चर्चा किया गया है एडिट पेज में। चलिए हम इसको एक और इलेबोरेट करने जा रहे हैं। इलेबोरेट करने से पहले इसमें आने वाले जितने भी वोकैब सेक्शन है थोड़ा सा उनको देख लिया जाए, जो इंपॉर्टेंट जो वोकैब्स हैं उनको देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। आप लोगों से कहेंगे कि सेशन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। देखिएगा, मोडिकम वर्ड है, किसी अनुदान की छोटी राशि को मोडिकम कहते हैं, किसी बड़े रकम का एक छोटा अंश को मोडिकम बोला जाता है। यही बात कर रहा है क्या कि किसी भी चीज का छोटा रकम। लाउडेबल, लाउड मतलब होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना, आई एबल जोड़ दिए तो लाउडेबल हो गया, प्रशंसनीय, प्रशंसा करने योग्य। आगे है आउट पेशेंट, ध्यान दिया जाए, आउट पेशेंट होते हैं बाहरी रोगी, बाहरी रोगियों को बोला जाता है आउट पेशेंट, या ये कहें आके जो सुदूर क्षेत्र के पेशेंट हैं उनको बोला गया आउट पेशेंट। रोगी को बिना एडमिट हुए दवा लेकर घर जाना, यानी जो आप देखते होंगे आउट पेशेंट या आउटडोर में जो इलाज होता। क्रोनिक का अर्थ होता है दीर्घकालिक, दीर्घकालिक बीमारियों को क्रोनिक डिजीज कहा जाता है, आप देखते होंगे। एक्सपेक्टेंसी, एक्सपेक्ट मतलब आशा करना होता है, उसी से एक्सपेक्टेंसी हो गया, यानी कहने का मतलब उम्मीद। पेनिट्रेट, चुभोना, पेनिट्रेशन का अर्थ हो गया प्रवेश या चुभोना। इनएडिक्वेट, एडिक्वेट का अर्थ होता है पर्याप्त, और इनएडिक्वेट हो गया अपर्याप्त, अप्रचुर, कम। रोबस्ट का अर्थ होता है मजबूत, हट्टा कट्ठा। क्यूरेटिव हो गया उपचारात्मक, क्योर का अर्थ होता है उपचार करना, और उसी से क्यूरेटिव हो गया उपचार करने योग्य करने वाला। अटेन होता है प्राप्त करना, हासिल करना। ध्यान दिया जाए,
सर्ज का अर्थ होता है बढ़ाना, वृद्धि करना, सर्जिंग हो गया। वेन मतलब कम होना, घटना, उसी से वेनिंग हो गया। इंथुजियाजम का अर्थ होता है जोश, उमंग। इंथुजियास्टिक होता है जोशीला, और उसी से बना इंथुजियाजम। ध्यान दे, पॉइज्ड का अर्थ होता है संतुलित या किसी दूसरे तरफ, यानी अग्रसित, अग्रसरित होना, यानी सही संतुलन में होना। श्रिंक मतलब होता है कम होना, सिकुड़ना, उसी से श्रिंकिंग आ गया। अमोडलिटी होता है मॉडल, जानते होंगे प्रकार, किसी चीज की प्रक्रिया का स्वरूप, ढंग, उसी से मॉडलिटी बन गया। तो अब यहाँ पर आया किसी भी काम को करने का तरीका, मॉडलिटी। आशा करते हैं कि वोकैब सेक्शन आपका ये क्लियर है। अब इसके बाद हम इसके एक्सटेंडेड फॉर्म में जा रहे हैं और आपको कंप्लीट जो ये कॉलम है उस कॉलम को एनालिसिस करने जा रहे हैं, उस कॉलम को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। मैं आज बोला हूँ आप लोगों का कमेंट्स नहीं देखने जा रहा हूँ, मैं आप लोगों का कमेंट्स का कोई रिप्लाई आज नहीं देने जा रहा। आप सभी का कमेंट्स का है स्वागत, सब देख रहे हैं, लेकिन आज कोई जवाब नहीं देंगे। समझिए स्ट्रीमिंग चल रहा है, उस माध्यम से आप क्लास कर रहे हैं। आज सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। कंपटीशन प्रो एमके मिश्रा ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, उस पर सुपर फाउंडेशन कोर्स मौजूद है जिसके तहत बेसिक टू एडवांस, बॉटम टू टॉप आप पूरा ग्रामर का सेशन पढ़ सकते हैं। 2550 में वो कोर्स है, जो कि अभी 1450 में उपलब्ध है, आप उसे अवेल कर सकते हैं। एडवांस मैथमेटिक्स का भी वहां पर कोर्स मौजूद है इंजीनियर विशाल सिंह के द्वारा, उसको भी आप अवेल करें। पढ़ते हैं आगे, देखिएगा In a welcome move, the Union Government's decision to extend the coverage of Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana ABPMJAY to senior citizens over 70 years, irrespective of their income, provides a modicum of free health coverage to nearly 60 million people. Dekha jaye. इन अ वेलकम मूव, इन अ वेलकम मूव का मतलब हुआ स्वागत करने योग्य कदम, एक बहुत बढ़िया कदम। कौन सा कदम? कि द यूनियन गवर्नमेंट्स डिसीजन, केंद्र सरकार का डिसीजन, क्या डिसीजन? टू एक्सटेंड द कवरेज ऑफ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो ABPMJAY योजना है उसको, उसका कवरेज एक्सटेंड करने का जो केंद्र सरकार के ही डिसीजन है सीनियर सिटीजन्स के लिए, वैसे सीनियर सिटीजन जो कि 70 बरस के पार के हों, बिना उनका इनकम का दायरा जांचे, बिना कुछ उसका परवाह किए, जो उनको कवरेज बढ़ाया गया, ये उनको एक मोडिकम प्रोवाइड करता है, एक उनको अनुदान प्रोवाइड करता है, एक उनके लिए मददगार साबित हो रहा है फ्री हेल्थ कवरेज में करीबन करीबन 60 मिलियन पीपल के लिए, यानी 6 करोड़ लोगों के लिए। 60 मिलियन पीपल 6 करोड़ लगभग होंगे, हाँ 6 करोड़ लोगों के लिए यह एक बहुत बड़ा अनुदान, बहुत बड़ा सहयोग होने जा रहा है। देखिएगा यह कह रहा है कि एक स्वागत भरा है, स्वागत योग्य कदम है कि केंद्र सरकार का एक डिसीजन आया है कि जो ABPMJAY योजना है उसमें कवरेज जो है उसको बढ़ा दिया जाए सीनियर सिटीजन्स के लिए, जो कि 70 वर्ष के ऊपर के हैं, चाहे वो जीत जो इनकम वाले लोग हैं उससे कोई मतलब नहीं, सभी के लिए जो ये दायरा बढ़ाया गया वो हेल्थ केयर कवरेज में, हेल्थ कवरेज में एक बहुत बड़ा योगदान होगा, उनके लिए अनुदान होगा करीबन करीबन 6 करोड़ लोगों के लिए। करेक्ट, विथ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर फॉर हेल्थ केयर इन इंडिया अमंग द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, द डिसीजन इज इंडीड लाउडेबल। देखा जाए करेक्ट, विथ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर,
आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का अर्थ हुआ यानी पॉकेट से बाहर, साफ साफ कहिए किसी के क्षमता से बाहर। फॉर हेल्थ केयर, हेल्थ केयर कभी कभी कराए क्या कि लोगों के क्षमता से बाहर चला जाता है, यानी बीमारियों में खर्च इतना होती कि उनको खर्च करने की क्षमता नहीं रह जाती। इसी बात को कह रहा है क्या कि विथ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर फॉर हेल्थ केयर इन इंडिया इज अमंग द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा स्वास्थ्य पर खर्च करने वाला यानी बीमारियों में खर्च होने वाला करने वाला अगर कोई देश है तो वो इंडिया कह रहा है। देखा जाए कह रहा है कि उनमें से एक है इंडिया, ऐसा नहीं कि सबसे ज्यादा है, अमंग द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ज्यादा बीमारियों पर खर्च होने वाले जो देश हैं, खर्च करने वाले जो देश हैं उनमें एक भारत है। और यह जो डिसीजन है वो वाकई प्रशंसनीय है, वह यह काबिले तारीफ है, यह केंद्र सरकार की योजना। वाइल द डिसीजन टू प्रोवाइड फ्री हेल्थ कवरेज अप टू रुपीज 0.5 मिलियन पर ईयर फॉर ए सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन इज नोबल, इट विल इन नो वे फुलफिल द पब्लिक हेल्थ केयर ऑब्जेक्टिव दैट आर मच नीडेड फॉर द टारगेटेड बेनिफिशियरीज। ध्यान दें कड़ा है कि जबकि ये जो डिसीजन है कि हेल्थ केयर कवरेज प्रोवाइड किया जाए करीबन करीबन 5 लाख रुपया का प्रति वर्ष, हमारे पॉपुलेशन का, इतने बड़े पॉपुलेशन का एक भाग को यानी वृद्ध जनों को यहां पर टारगेट किया जा रहा है, तो कह रहा है कि एक बड़े भाग को जो ये हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जा रहा है 5 लाख का पर ईयर हर साल, वो वाकई एक नोबल कदम है, एक विशिष्ट कदम है, बड़ा कदम है। कह रहा है कि निसंदेह यह पब्लिक हेल्थ का जो हमारा उद्देश्य है उसको कुछ हद तक फुलफिल करेगा, पूरा करेगा, जो कि बेहद आवश्यक है इन टारगेटेड यानी कुछ विशेष बेनिफिशियरीज के लिए, हमारे वृद्धजनों के लिए वाकई आवश्यक है, जिस जो कि सरकार ने कदम उठाया है। 5 लाख का कवरेज आपको पर ईयर मिल रहा है वृद्ध लोगों को, ओवर 70 जो है उनको सरकारी अनुदान मिलेगा उनके इलाज पर। करे कि यह बहुत बड़ा कदम है, ध्यान दें, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट करे कि प्रमुख बात तो यह है कि द हेल्थ एश्योरेंस स्कीम इज लिमिटेड टू सेकेंडरी एंड टर्टियरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन। करे क्या कि प्रमुख तो बात यह है कि अभी हेल्थ जो एश्योरेंस है स्कीम, अभी जो योजनाएं चल रही है वो केवल द्वितीय दर्जे की और तृतीय दर्जे का जो हॉस्पिटलाइजेशन है केवल उसी पर ये अभी स्कीम मिल पा रहा था। द ऑब्सेंस ऑफ कवरेज फॉर आउट पेशेंट केयर डायग्नोस्टिक्स एंड मेडिसिन इज पर्टिकुलरली कंसर्निंग एज क्रोनिक डिजीजेज हैव इंक्रीज्ड शार्पली इन इंडिया इन द लास्ट फ्यू डेकेड्स। करे कि ऑब्सेंस ऑफ कवरेज फॉर आउट पेशेंट, जो दूर दराज के पेशेंट हैं या आउट पेशेंट जो छोटी छोटी बीमारियों से ग्रसित थे, उन लोगों को जो कवरेज नहीं मिल पा रहा था, ऐसी स्थिति में कराए कि उस कवरेज के अभाव से उनके केयर में, डायग्नोस्टिक्स में, मेडिसिन्स में जो उनको नहीं मिल रहा था रिलीफ, ये खासकर चिंता का विषय था बड़ी बड़ी क्रोनिक डिजीजेज में। जैसा कि क्रोनिक डिजीजेज जो हैं, बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियां जो हैं वो भारत में बहुत तेजी से अपना पांव पसार रही है, पिछले कुछ दशकों में ऐसा देखने को मिला है कि गंभीर बीमारियां भारत में अपना पांव पसार चुकी है। इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड एन अर्ली ऑनसेट ऑफ दिस डिजीजेज वुड मीन दैट पीपल ओवर 70 मे वेरी ऑफन सफर फ्रॉम मल्टीपल क्रोनिक डिजीजेस। देखिएगा
इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो जीवन दर का वृद्धि है, औसत आयु में जो वृद्धि है उसके वजह से, उस बढ़ा हुआ जो औसत आयु है उसके वो, और करीबन करीबन जो ये बीमारियां हैं क्रोनिक, इनका जो असर है, इनका आघात है, उस दोनों के सब को अगर मिलाकर देखा जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 70 बरस के ऊपर के लोग हैं वो अक्सर कई तरह के यानी बीमारियों से, मल्टीपल क्रोनिक डिजीज से गुजरते हैं। अच्छा बुनियादी स्वास्थ्य सुविधा रहता है तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ती है, यानी आप लोग जानते हैं कि मृत्यु दर घटता है, तो मृत्यु दर घटने का मतलब यह है कि लोग दीर्घायु होंगे। तो वही बात कह रहा है कि दीर्घायु होने के साथ ही साथ साथ बीमारियों का, अगर लोग का उम्र ज्यादा हो गया और बीमारियों का इनका आघात हो गया, तो इसका मतलब ये समझिए कि जो 70 बरस के ज्यादा के लोग हैं उनको कई तरह के यानी बहुत सारी क्रोनिक बीमारियां हो जाएगी। मोस्ट ऑफ द हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर बाय द एल्डरली विल देयरफॉर बी थ्रू आउट पेशेंट केयर 40% to 80%। जब आउट केयर को भी इसमें जोड़ दिया जाएगा तो यह अधिकांश जो हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर है हमारे वृद्ध जनों के लिए वो इसी दायरे में, आउट पेशेंट केयर 40% to 80% बीमारियां इसी कवरेज में आ जाएंगी, विच विल नॉट बी कवर्ड बाय द स्कीम। अच्छा सॉरी, अगर देखा जाए तो ये सभी बीमारियां इसी दायरे में आ जाएंगी जो कि इस स्कीम में नहीं आ पाएगा। यहां बता रहा है कि 70 वर्ष के जो लोग हैं ऊपर, उनको बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। करे कि अधिकांश हेल्थ केयर, मोस्ट करा है, मोस्ट ऑफ द हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर, अधिकांश जो खर्च है हमारे एल्डरली पर जो खर्च होगा, अतः ये सब जो है 40% to 80% जो दायरा है वो बुनियादी यानी छोटे छोटे अस्पताल का दायरा का बात कर रहा है, जो आउट पेशेंट है यानी शुरुआती दौर में ही जो ये सब कंट्रोल हो जाएगी। तो कह रहे कि विच विल नॉट बी कवर्ड बाय द स्कीम, ये सब स्कीम में कवर नहीं हो पाएगी। ध्यान दें, सिंस इट्स लॉन्च इन 2018, 2018 में इसके लॉन्च के साथ ही द पेनिट्रेशन ऑफ पीएमजे इनटू अ स्मॉलर सिटीज एंड टाउन्स हैज बीन लो इन मोस्ट स्टेट्स। 2018 में जब यह स्कीम लॉन्च किया गया तभी से यह देखा गया कि पीएमजे योजना का छोटे शहरों में, छोटे छोटे शहरों में, टाउन में इसका जो पेनिट्रेशन है, इसका जो असर है वो बहुत कम रहा है। यह योजना का लाभ छोटे छोटे शहरों में लोग नहीं उठा पाए अधिकांश स्टेट्स में, अनलाइक इन मोस्ट ऑफ द साउदर्न स्टेट्स, अनलाइक यानी विपरीत, अधिकांश जो साउदर्न स्टेट है यानी जो दक्षिण भारत के जो राज्य हैं उनके ठीक विपरीत, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर इन द पब्लिक सेक्टर हैज बीन लार्जली नेग्लेक्टेड। यानी साउथ इंडिया में जो प्राइमरी हेल्थ केयर है और सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी, उस पर तो जोर दिया गया है लेकिन बाकी जगह देखा गया कि उस सब नेग्लेक्ट किया गया है। प्राइमरी और जो सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम है उनको नेग्लेक्ट किया गया है बाकी जब जगह, सब जगहों पर। साउथ इंडिया में इसको सुधारा गया और कह रहा है कि अनलाइक यानी उसके ठीक उल्टा, बाकी जगह जो है प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर को इग्नोर किया गया, कराए क्या कि नेग्लेक्टेड एंड इज इनएडिक्वेट और अपर्याप्त है, एंड इल इक्विप्ड
साथ साथ वहां पर संसाधन की भी कमी है टू मीट द डिमांड इन अदर पार्ट्स। बाकी जगहों पर साउथ इंडिया को छोड़ दीजिए तो संसाधन की भी कमी है, हॉस्पिटल्स की भी कमी है, बाकी हर तरह की नेग्लिजेंसी है। आगे, रोबस्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी पब्लिक हेल्थ केयर विल शार्पली कट द लोड ऑन टर्टियरी हेल्थ केयर एंड हेंस द नीड फॉर क्यूरेटिव केयर। करें कि रोबस्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी पब्लिक हेल्थ केयर, यदि प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर को स्ट्रॉन्ग बना दिया जाए, जो आउट पेशेंट का बात बार बार कह रहा था, जो प्राइमरी और सेकेंडरी पब्लिक हेल्थ केयर है, सरकारी जो हेल्थ केयर है, उसको अगर सही कर दिया जाए तो क्या होगा, तो विल शार्पली कट द लोड ऑन टर्टियरी हेल्थ केयर, जो तृतीय श्रेणी के जो यानी टाउन आदि में जाना पड़ता है लोगों को, तृतीय दर्जे का हॉस्पिटल में यानी कुछ बड़े हॉस्पिटल में, उसका लोड जो है वो कम हो जाएगा। एंड हेंस द नीड फॉर क्यूरेटिव केयर, और यही नहीं, अतः ऐसे ऐसे जो स्कीम आ रही हैं, जो क्यूरेटिव केयर कदम उठाने पड़ रहे हैं सरकार को, इन सब का भी बर्डन कम हो जाएगा। आगे, ए रिड्यूस्ड क्यूरेटिव केयर लोड एट टर्टियरी हॉस्पिटल्स विल मेक द पीएमजय स्कीम सक्सीड। यदि इस तरह की योजनाओं का यानी अगर इनका वॉल्यूम कम रहे बेनिफिशियरीज का, यानी यदि रिड्यूस्ड क्यूरेटिव केयर रहे, कम लोड रहे तृतीय दर्जे के हॉस्पिटल्स में, क्योंकि ये जो मिल रहा है फैसिलिटीज वो कहाँ मिल रहा है, आ तो सेकेंडरी और टर्टियरी लेवल के हॉस्पिटल्स में, ऊपर चर्चा था। तो कह रहा है कि यदि उस पर यदि इनका प्राइमरी और सेकेंडरी जो है हेल्थ केयर सिस्टम, अगर इनको सुधार दिया जाए तो ये जो टर्टियरी लेवल का लोड है वो कम हो जाएगा, और ये यदि क्यूरेटिव केयर जो लोड है ये अगर कम हो जा रहा है तो हॉस्पिटल कह रहा है कि विल मेक द पीएमजय स्कीम सक्सीड, और तो ये हमारा जो योजना है पीएमजय स्कीम ये सफल हो पाएगा, वो सफल हो जाएगा। अब देखिएगा आगे थोड़ा सा, अगला पैराग्राफ जाने से पहले हम आप लोगों को एक हाईलाइट दे दें, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं तो बुला हूँ कि कमेंट्स का आज देखने की ज़रूरत नहीं है, आज केवल केवल मैं वन वे ट्रैफिक कर रहा हूँ, यानी एक तरफा क्लास ले रहा हूँ। देखिए, जैसा कि कह रहा है क्या कि एक स्वागत भरा कदम जो हमारे केंद्र सरकार का डिसीजन है, कि जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना है एबीपीएमजय योजना, इसमें जो कवरेज को एक्सटेंशन किया गया सीनियर सिटीजन के लिए जो कि 70 वर्ष से ऊपर के हैं, बिना उनका इनकम आदि का परवाह किए, चाहे जिस इनकम कैटेगरी में वो आते हों, उन सब के लिए 70 वर्ष के ऊपर हैं तो ये उनको योजना का लाभ मिलेगा। उसके तहत ये उनके लिए एक सहयोग हुआ, बड़ा कदम हुआ, हेल्थ केयर में उनको कवरेज मिला करीबन करीबन 6 करोड़ लोगों को, 6 करोड़ लोगों को ये कवरेज मिलेगा प्रधानमंत्री का ये जो योजना है एबीपीएमजय योजना। कराए क्या कि जो एक्सपेंडिचर हेल्थ केयर में हमारे यहां होता है भारत में, वो करीबन करीबन देखा जाए तो भारत दुनिया के सबसे ज्यादा बीमारियों पर खर्च करने वाले देशों में से एक है। अतः ऐसी स्थिति में यह डिसीजन वाकई प्रशंसनीय है, काबिले तारीफ है। कराए कि जबकि यह डिसीजन जो है 5 लाख रुपया पर ईयर, 0.5 मिलियन कह रहा है, इसका मतलब है कि 5 लाख रुपया पर ईयर जो है एक बड़े सेक्शन को, हमारे जनसंख्या के एक बड़े भाग को यानी वृद्धजनों को जो मिल रहा है, वो हेल्थ केयर में पब्लिक हेल्थ केयर का जो उद्देश्य है उसे पूरा करने में निसंदेह मददगार होगा। और इसके जो बेनिफिशियरीज होंगे वो भी बिल्कुल उचित होंगे। कह रहा है कि जिनको वाकई जरूरत था
उनको ये बेनिफिशियरीज में वो बन रहे, यानी उनके लिए तो आवश्यक था ही। प्रमुख बात यह है कि जो हेल्थ अश्योरेंस स्कीम है वो सेकेंडरी और टर्टियरी यानी द्वितीय और तृतीय श्रेणी के हॉस्पिटलाइजेशन पर ही लागू होता है। द्वितीय श्रेणी का और तृतीय श्रेणी का यदि हॉस्पिटल में आप जा रहे हैं तभी यह स्कीम लागू होता है, तो वहीं पर फायदा आपको मिलेगा। ध्यान दे, अब कह रहा है क्या कि यदि कवरेज का यहां पर अभाव रहे, न रहे कवरेज, इंश्योरेंस कवरेज न रहे फॉर आउट पेशेंट केयर, जो सुदूर क्षेत्रों के पेशेंट है उनके लिए डायग्नोस्टिक्स में, मेडिसिन में, खासकर ये सब चिंता के विषय हैं। कब? जब क्रोनिक डिजीजेस जो हैं वो भारत में अपना पैर पसार रहे हैं, यानी भारत में गंभीर बीमारियों का पिछले कुछ दशकों में असर हो गया है। आगे बढ़ती हुई लाइफ एक्सपेक्टेंसी और इन बीमारियों का प्रभाव आघात का मतलब यह है कि करीबन करीबन वैसे लोग जो 70 बरस से ऊपर के लोग हैं वो कई तरह के क्रोनिक बीमारियों से ग्रसित होंगे, वे कई तरह के बीमारियों का शिकार हो गए हैं, हो जाते हैं। अधिकांश जो कह रहा है कि हेल्थ केयर सिस्टम जो है, ध्यान दें, अधिकांश जो हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर है हमारे वृद्धजनों के लिए वो आउट पेशेंट के दायरे में, जो 40 to 80% का दायरा है वहीं पर सुलझ जाएगा, जिसमें कि स्कीम का कवरेज ही नहीं है। यानी ग्रामीण ढांचा को अगर, हमारे बुनियादी ढांचा को अगर, स्वास्थ्य का अगर सही कर दिया जाए तो गंभीर बीमारियों की नौबत नहीं आएगी और वहीं पर वो निपट जाएगा और वहां पर स्कीम यह लागू नहीं होता है। अब आगे बात कर रहा है, देखा जाए कि 2018 में जो ये योजना लॉन्च हुई उसके साथ ही ये देखा गया कि जो पीएम जय का जो ये योजना है ये छोटे शहरों में, टाउन्स में, इसमें बहुत कम असर इसका दिखाई दिया। 2018 में तो ये योजना लागू हो गई लेकिन छोटे शहरों में इसका असर कम रहा, लोग इससे बेनिफिशियरीज कम हो पाए थे। ध्यान दें, कराए क्या कि साउदर्न स्टेट्स के को छोड़ दिया जाए, जैसा कि प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर जो है पब्लिक सेक्टर का, अगर साउदर्न स्टेट को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगह व्यापक रूप से उसको नेग्लेक्ट किया गया है। साउदर्न जो स्टेट्स हैं, दक्षिण भारत के जो हमारे स्टेट्स हैं उनको देखा जाए तो वो अपने प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर पर काम किए हैं लेकिन बाकी जो हैं वो उसको नेग्लेक्ट किए हैं। और कह रहा है क्या कि वहां पर सुविधाएं भी अपर्याप्त हैं, वहां का हॉस्पिटल जो है ठीक से इक्विप नहीं है, वहां संसाधन नहीं है, इतना संसाधन नहीं है कि वो पर्याप्त रूप से वहां पर काम कर सके, अच्छा ढंग से काम कर सके। यदि प्राइमरी और सेकेंडरी पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम जो है अगर वो ताकतवर हो जाता है तो निश्चित रूप से जो तृतीय श्रेणी के हॉस्पिटल हैं उन पर लोड बहुत कम आएगा इस तरह का केयर का, यानी जो सरकार कवरेज दे रही है वो कवरेज का प्रभाव कम दिखेगा। और जो क्यूरेटिव केयर है, जो ये कदम कवरेज का दिया जा रहा है, अगर ये कम उसका दायरा रहेगा तो सरकार का जो ये कदम है वो वाकई सफल हो जाएगा, यानी पीएम जय योजना जो है वो सफल हो जाएगा। कब? जब तृतीय कैटेगरी के हॉस्पिटल पर लोड कम रहेगा तब प्राइमरी और सेकेंडरी जो सेक्शन है वहीं पर ये आसानी से निपट जाएंगे। ध्यान दें, अब आगे अगला जो पार्ट आ रहा है उसको देखा जाए, करें कि थाईलैंड फोकस्ड एंड प्रोग्रेसिवली स्ट्रेंथेंड इट्स प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम एंड इवन डाइवर्टेड फंड्स ईयरमार्क्ड फॉर अर्बन हॉस्पिटल्स टू बिल्ड रूरल हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स टू अटेन यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। देखिए,
थाईलैंड का उदाहरण दिया जा रहा है कि थाईलैंड एक ऐसा देश है जिसने फोकस किया और बिल्कुल मजबूत बनाया अपना प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम को। और वो उसने क्या किया कि फंड्स को डाइवर्ट किया, जो अर्बन हॉस्पिटल्स में, सारी हॉस्पिटल्स में जो फंड्स वो लगा रहा था, यानी शहरी हॉस्पिटल तैयार करने में, बड़ा हॉस्पिटल बनाने में, उसे फंड को ट्रांसफर कर दिया कहाँ, तो रूरल हॉस्पिटल्स की ओर, ग्रामीण क्षेत्रों में हॉस्पिटलाइजेशन को तगड़ा किया, यानी हॉस्पिटल सिस्टम को तगड़ा किया एंड हेल्थ केयर को। अब फिर कराया कि किस लिए, ताकि उसका पूरा का पूरा जो हेल्थ कवरेज का जो उसका पूरा प्लान है वो सफल हो पाए, वो उसके उद्देश्य को हासिल कर पाए। जबकि ठीक उल्टा, इन कंट्रास्ट, इन द यूएस, यूएस का एक उदाहरण दिया जा रहा है कि बैंकिंग प्राइमरली इन ऑन इंश्योरेंस बेस्ड स्कीम्स इज व्हाट लेड टू सर्जिंग कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर। जबकि ठीक उल्टा यहां उदाहरण दिया जा रहा है यूएस के बारे में कि यूएस में जो बैंकिंग प्राइमरली है, बैंकिंग पर आधारित जो इंश्योरेंस बेस्ड स्कीम्स हैं, लोगों को स्कीम दी जाती है, इंश्योरेंस स्कीम दी जाती है हेल्थ केयर में यूएस में, करे कि वो जो है जिसके वजह से जो यूएस की योजना है उसके वजह से हेल्थ केयर में जो कॉस्ट है उसकी वृद्धि हो जा रही है। भारत तो ऐसा लग रहा है देखने में कि इंडिया अपीयर्स टू बी गोइंग ऑन द यूएस वे, ऐसा लग रहा है कि भारत जो है यूएस का नकल कर रहा। तो जब देयर इज वेनिंग एंथुसियाज्म इन द प्राइवेट सेक्टर ड्यू टू लोअर ट्रीटमेंट रेट्स एंड डिलेड पेमेंट, करे कि जब उत्साह कम हो रहा है लोगों को प्राइवेट सेक्टर में, कवरेज वाला इलाज प्राइवेट सेक्टर में कराने में लोगों का उत्साह कम हो रहा है, जब किस लिए, तो लो ट्रीटमेंट रेट्स, वहां पर ट्रीटमेंट कम लोग करा रहे हैं उसके वजह से, डिलेड पेमेंट, अब पेमेंट भी डिले मिलता है हॉस्पिटल्स को इसके वजह से। एज पर मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सिंस इट्स लॉन्च, जब से ये लॉन्च हुआ है तब से 2/3 ऑफ द टोटल मनी स्पेंट ईच ईयर अंडर द पीएम जय स्कीम वेंट टू प्राइवेट हॉस्पिटल्स। ध्यान दें, एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जब से यह लॉन्च हुआ तब से करीबन जितना पैसा पीएम जय योजना में खर्च हुआ उसका 2/3 भाग प्राइवेट हॉस्पिटल्स को गया है। जब से 2018 में यह पीएम जय योजना लॉन्च हुआ तब से लेकर अभी तक का आकलन यह बता रहा है कि करीबन जितना एक्सपेंडिचर गया है इस योजना में उसका 2/3 केवल प्राइवेट हॉस्पिटल को गया है। ध्यान दें, आगे कह रहा है क्या कि वीकेंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर, यदि कमजोर प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम है इट वॉज 53% इन द केस ऑफ द साउदर्न स्टेट्स, और यदि करा है क्या कि प्राइवेट सेक्टर्स को गया है तो उसमें 53% जो कर रहा है क्या कि यह केस साउदर्न स्टेट में था, नॉर्दर्न स्टेट में बहुत कम लोग इसका फायदा उठा पाए। करे कि वीकेंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर विल रिजल्ट इन एन ओवरलोड इन टर्टियरी हेल्थ केयर, यदि प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर कमजोर होगा तो इसके वजह से तृतीय श्रेणी के जो हॉस्पिटल हैं उन पे लोड बढ़ जाएगा, which the private players will be well poised to take advantage of। इसके वजह से होगा क्या कि जो private hospitals हैं, private sector जो हैं, वो इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा लेंगे। ध्यान दें, this can lead to a further shrinking of the government's commitment to strengthen the public healthcare system by over relying on the insurance modality which is neither affordable nor will provide appropriate healthcare।
देखा जाए, दिस कैन लीड ए फर्दर श्रिंकिंग ऑफ द गवर्नमेंट कमिटमेंट। आज यदि प्राइवेट सेक्टर ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने लगेंगे इसका, तो फिर वो यही होगा कि सरकार की जो योजना है वो बिल्कुल संकुचित हो जाएगी। सरकारी योजना का इसमें सरकार को लाभ नहीं मिल पाएगा। तो फिर कह रहा है क्या कि सरकार का ये योजना, कह रहा है कि विच द प्राइवेट प्लेयर्स विल बी वेल प्राइज्ड टू टेक एडवांटेज। प्राइवेट सेक्टर जो है इसका बहुत फायदा उठाने के लिए तत्पर हो जाएंगे, आतुर हो जाएंगे। दिस कैन लीड ए फर्दर श्रिंकिंग ऑफ द गवर्नमेंट्स कमिटमेंट। और एक ऐसा कदम होगा कि आगे भी सरकार का जो कमिटमेंट है कि पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को तंदुरुस्त किया जाए, वो फिर श्रिंक हो जाएगा, वो कदम जो है संकुचित हो जाएगा बाई ओवर रिलाइंग ऑन द इंश्योरेंस मॉडलिटी। और फिर इसी स्थिति में क्या होगा कि हद से ज्यादा लोग निर्भर करने लगेंगे इस इंश्योरेंस पॉलिसी पर, यानी सरकारी योजना पर, कि जाकर प्राइवेट सेक्टर में कहीं इलाज करा लीजिए और सरकार भरेगी, यानी इसको लोग अपने लिए आसान एक सिगुफा बना देंगे, अपने यूज में इसको एक्सप्लॉइट करने लगेंगे। विच इज नीदर अफोर्डेबल नॉर विल प्रोवाइड अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर। ध्यान दे, विच इज नीदर अफोर्डेबल नॉर विल प्रोवाइड अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर, जो कि न उचित है और न ये कहीं पर सही है इलाज ही कर पाएगा फॉर द नीडी, यानी जरूरतमंदों तक जरूरत की चीजें नहीं पहुंच पाएगी। इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म, अभी इसके वर्तमान स्वरूप में, पीएमजे इज ए मेजर दैट इज इसेंशियल बट इज इनकम्प्लीट। आज यदि देखें वर्तमान में, तो पीएमजे जो है ये एक बढ़िया कदम है, एक बढ़िया मेजर है, दैट इज इसेंशियल, जो कि वाकई आवश्यक है, बट इज इनकम्प्लीट, लेकिन अभी ये पर्याप्त नहीं है, इसमें और कुछ करने की जरूरत है। आप सभी जो आयुष्मान भारत योजना है, उसमें सरकार 70 वर्ष से ऊपर के लोगों का कवरेज जो बढ़ाया है 5 लाख रुपया पर ईयर तक का, उनको फ्री ट्रीटमेंट का जो एक पैकेज दिया है, उस पैकेज का इसमें चर्चा किया गया है। साथ ही ये कहा गया है कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल का बुनियादी जो हम लोगों का मूलभूत जो स्वास्थ्य प्रणाली है, उसको हमें तंदुरुस्त करने की ज़रूरत है, क्योंकि यह स्कीम तृतीय यानी सेकंड और थर्ड लेवल का जो हॉस्पिटल्स हैं, कैटेगरी के हॉस्पिटल्स हैं, केवल उन्हीं में यह फायदा मिल पाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो सेकंड और थर्ड कैटेगरी के हॉस्पिटल्स हैं, उन पर लोड कम आवे, इसलिए प्राइमरी सेक्शन जो है और सेकेंडरी सेक्शन जो है, यानी मूलभूत जो सुविधाएँ हैं, बुनियादी जो हॉस्पिटल सुविधाएं हैं, उनको तंदुरुस्त करने की ज़रूरत है, ताकि ये योजना सफल हो सके और सही लोगों को इसका लाभ पहुंच सके। यदि हद से ज़्यादा अगर इसको प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल का हॉस्पिटल में यदि ये लागू न हो, तो ऐसी स्थिति में जो थर्ड कैटेगरी के हॉस्पिटल हैं, उन पर लोड बढ़ेगा, अब प्राइवेट सेक्टर के लोग ज़्यादा इसका फायदा उठाने लगेंगे, जो कि ज़रूरतमंदों तक सही न सुविधा पहुंच पाएगी और न उनका सही उपचार हो पाएगा। इसी चीज़ का यह चर्चा कर रहा था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सभी लोग सेशन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। आज मैं ठान लिया हूं कि आपका कमेंट्स नहीं देखूंगा, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, ध्यान दें, करे कि व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द इंपैक्ट ऑफ द पीएमजे स्कीम ऑन प्राइवेट हॉस्पिटल्स। व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द इंपैक्ट ऑफ द पीएमजे स्कीम ऑन प्राइवेट हॉस्पिटल्स। जो पीएमजे स्कीम है, उसका क्या असर पड़ेगा, उसका क्या असर पड़ेगा प्राइवेट हॉस्पिटल्स में,
कर कि व्हाट कैन बी इन्फर्ड, हम क्या अर्थ निकाल सकते हैं इस चीज से कि द इम्पैक्ट ऑफ द जय पीएम जय स्कीम ऑन प्राइवेट सेक्टर, प्रधानमंत्री का जो ये योजना है उस प्राइवेट सेक्टर के इस पर जो इस स्कीम लागू हो रहा उसका हम अर्थ क्या निकालें। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैव बीन कंप्लीटली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पीएम जय स्कीम, इस जय स्कीम से पीएम जय स्कीम से प्राइवेट हॉस्पिटल को एक्सक्लूड कर दिया गया है, बाहर कर लिया गया है? नहीं जी, नहीं, उसको बाहर नहीं किया गया है, उसको याद करें सेकंड और थर्ड कैटेगरी का हॉस्पिटल का उसको कैटेगराइज किया गया है। टू थर्ड्स ऑफ द टोटल मनी स्पेंट ईच ईयर अंडर द पीएम जय स्कीम वेंट टू प्राइवेट हॉस्पिटल्स, ये सही है। करा है क्या कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं इसका अभी तक लाभ बहुत ज़्यादा उठाए, जितना भी टोटल खर्च हुआ उसका दो तिहाई प्राइवेट सेक्टर को गया है, ये बिल्कुल सही है। द स्कीम हैज लेड टू ए बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स, सरकारी और गैर सरकारी के बीच में यह बैलेंस किया है? जी नहीं, नॉन ऑफ एबव, जी नहीं, आंसर कौन होना चाहिए? बी होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, ध्यान दें। अगला कह रहा है थोड़ा सा देखिए कि व्हाट बेनिफिट्स डिड पीपल अबव 70 इयर्स ऑफ एज गेट अंडर आयुष्मान भारत स्कीम, आयुष्मान भारत स्कीम के तहत जो 70 वर्ष के ऊपर के लोग हैं उनको क्या फायदा मिला? ए बल्क अमाउंट फॉर फ्री हेल्थ कवरेज, करा है क्या कि एक भारी रकम उनको मिल गया? ए मोडिकम फॉर फ्री हेल्थ कवरेज, ये होना चाहिए कि एक उनको आंशिक सहायता मिल गई, मोडिकम मिल गया जैसा कि पहले चर्चा हुआ था। ए मोडिकम फॉर पेड हेल्थ कवरेज, नहीं। ए मोडिकम फॉर लाइफ इंश्योरेंस कवरेज, नहीं, ऑप्शन नंबर बी। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ डज द पैसेज सजेस्ट इंडियाज हेल्थ केयर सिस्टम कुड बी इंप्रूव्ड टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम थाईलैंड्स अप्रोच, करा है क्या कि कैसे ये पैसे सजेस्ट कर रहा है कि भारत का हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो सुधर पाएगा यदि वो थाईलैंड का जो अप्रोच था उससे कुछ सबक ले। तो देखिए थाईलैंड का जो हॉस्पिटल सिस्टम था वो था कि प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल का जो हॉस्पिटल्स थे उस पर ज्यादा जोर दिया गया था, तो वही बात कह रहा है कि बाई इंक्रीजिंग फंडिंग फॉर प्राइवेट टेरिटरी हॉस्पिटल्स, प्राइवेट जो टेरिटरी हॉस्पिटल है उस पर खर्च करके इन अर्बन एरियाज, नहीं। आगे कह रहा है बाई प्रोग्रेसिवली स्ट्रेंथनिंग द प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम एंड डाइवर्टिंग फंड्स फ्रॉम अर्बन हॉस्पिटल टू रूरल हेल्थ सेंटर्स टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, यही होना चाहिए, क्योंकि थाईलैंड से सबक यही मिला था कि प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम को ठीक किया जाए और फंड को शहर के तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में डाइवर्ट किया जाए। बाई इंक्रीजिंग रिलायंस ऑन इंश्योरेंस बेस्ड हेल्थ स्कीम, नहीं, तो यूएस का स्कीम था, ये थाईलैंड का नहीं था। बाई फोकसिंग ऑन टेरिटरी केयर एंड रिड्यूसिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ केयर पर कम खर्च किया जाए, नहीं, आंसर नंबर बी। अगला है कि व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन का अर्थ क्या है? तो दबाव, प्रभाव। ऐसी स्थिति में आप पेनिट्रेशन का सिनोनिम चुने, ध्यान दें, तो एंट्री, प्रवेश चलेगा, पेनिट्रेशन भी था, याद करें चुभोना, एंट्री करना चल सकता है। विड्रॉल का अर्थ क्या हो गया? तो ये तो वापसी हो गया या निकासी हो गया, ये एंटोनिम हो सकता था। एग्जिट का अर्थ क्या हो गया? तो ये भी बाहर आना, बाहर आना, तो ये भी एंटोनिम हो सकता। और डॉगमा हो गया सिद्धांत, तो सिद्धांत से यहां कोई लेना देना नहीं, तो एंटोनिम क्या होना, सिनोनिम्स क्या होना चाहिए? तो एंट्री होना चाहिए। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड मोडिकम, मोडिकम था आंशिक
सहायता आंशिक सहयोग छोटा एक रकम, तो ऐसी स्थिति में क्या है अ स्मॉल अमाउंट, ये सिनोनिम्स हो जाएगा, आंसर तो नहीं होगा। बीट मतलब ही होता है छोटा भाग टुकड़ा, अबंडेंस प्रचुरता, अब फ्रैगमेंट मतलब ही होता है टुकड़ा, तो यहां मॉडिकम का एंटोनिम्स क्या होगा अबंडेंस। आशा है आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। आप लोगों को बता दें कि आप लोग स्ट्रीमिंग देख रहे थे, चूंकि मुझे सैटरडे को आउट ऑफ स्टेशन जाना है तो आपका क्लास बाधित न हो, इसलिए हमने आपको रिकॉर्डेड कोर्स डाला, क्योंकि ड्यूटी ड्यूटी होती है, और उस ड्यूटी पर चाहे जहाँ भी आप रहें अगर संभव है तो वहाँ पर अपने ड्यूटी का हुक्म बजाते रहें। यह मेरा भी ड्यूटी है, यह आपका भी ड्यूटी है। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप इंजॉइंग, बी बोल्ड फॉर द एग्जामिनेशंस। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।